दोस्तों वेलकम है आपका फैंटेसी एक्सपर्ट न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग मैच कवर करने जा रहे हैं ओवल इनविंसिबल वर्सेस नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स। दी 100 का ये फर्स्ट मैच है वुमेन्स का, उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो लोग स्मॉल लीग में खेल रहे हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये सबसे बेस्ट मैच है। अगर वुमेन्स के दी 100 मैचेस खेलेंगे तो आपके प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कि आप इस पूरे टूर्नामेंट में जो है प्रॉफिट करके जाओ ड्रीम 11 से। तो आइए इस कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं, स्मॉल लीग्स और ग्रैंड लीग का फॉर्मेशन रेडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिटेलिंग की तरफ चलेंगे, क्या कुछ डिटेल्स है, प्लेयर स्टेट्स वगैरह देखेंगे, उसी के बाद हम लोग टीम फॉर्मेशन जो है करेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक सबसे मेन बात आपको बता देता हूँ वुमेन्स के मैचेस में क्या होता है। एक बार मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ। वुमेन्स के मैचेस में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि वेन्यू कोई भी हो, ठीक है, वेन्यू कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए जो वेन्यूज़ की जो बाउंड्रीज होती है ना शॉर्ट कर दी जाती है। वुमेन्स के मैचेस में बाउंड्रीज जो है शॉर्ट कर दी जाती है। जैसे कि अब जो कैनिंगटन ओवल का जो वेन्यू है ना, यहाँ पर क्या है कि वैसे भी बाउंड्रीज शॉर्ट ही है, लेकिन फिर भी आपको इसमें से भी आपको बाउंड्रीज क्या होगा शॉर्ट देखने को मिलेगी। यानी ये 70 की है तो ये कम से कम यह हो जाएगी 55 से 60 की, ठीक है, इतना छोटा हो जाएगा। जैसे ये 66 की है तो ये 60 के आसपास आ जाएगी, फिर ये 68 का है तो ये भी 60 के आसपास आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है वुमेन्स के मैचेस में बाउंड्री जो है वो शॉर्ट कर दी जाती है। वैसे भी वुमेन्स से बाउंड्रीज क्लियर होती नहीं है, लेकिन बड़े प्लेयर जो है ना यहाँ पर बाउंड्रीज क्लियर कर लेते हैं। लेकिन देखते हैं यहाँ पर भी शॉर्ट होती है या नहीं, वैसे होनी चाहिए हर मैचेस में। इंटरनेशनल में भी आपने देखा होगा शॉर्ट होती है, तो दी 100 में भी शॉर्ट होती हुई आपको दिखेगी। तो वेन्यू के बारे में डिस्कस करने से मतलब नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ वुमेन्स के मैचेस में क्या टोटल बन सकता है। देखो दी 100 का मैच है तो वुमेन्स के मैचेस में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्कोर जो बनेगा वो 130 से 140 के आसपास, ठीक है, इतना स्कोर बनेगा। अगर कोई प्लेयर बहुत ही अच्छा चल जाता है टॉप ऑर्डर में से, यानी कोई प्लेयर है ऑलराउंडर है या जो भी है जो कि अच्छा प्लेयर है और वो चल जाता है 60-70 का इनिंग खेल देता है, तो जाके 150 यहाँ पर बनेगा। बाकी यहाँ पर स्कोर्स देखने को मिलेगा 130-140 के आसपास। इससे ज़्यादा स्कोर करना है वुमेन्स के मैचेस में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ये तो मैं वैसे भी आपको बता रहा हूँ कि T20 में इतना है, और आपको स्कोर देखने को मिलेगा 120 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, 110 से 120 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो वुमेन्स के मैचेस में स्कोर जो रहेगा वो 100 से लेके 140 के बीच में रहने वाला है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमें ज़्यादा बैट्समैन पे अपना फोकस नहीं करना है, हमें मेन बॉलर्स पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपको ये क्लियर बता दिया, बैट्समैन ज़्यादा नहीं लेने हैं और बॉलर्स आपको अपनी टीम में भरपूर रखने हैं। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पेसर स्लो चाहे स्पिनर स्लो, क्योंकि वुमेन्स के मैचेस में जो क्वालिटी पिक्स हैं उनको ही आपको अपनी टीम में बैक करना चाहिए। अदरवाइज़ ग्रैंड लीग में आप लोग जो दूसरे बॉलर्स हैं उन पर रिस्क ले सकते हैं, बाकी सेफ सलेक्शन जितना चलेंगे उतना विनिंग के चांसेस इसमें हायर रहेंगे। प्लेइंग 11 की बात करते हैं, देखो तीन ओवरसीज़ है ना, अब आपको पता ही होगा कि तीन ओवरसीज़ अवेलेबल हैं, यानी मैक्सिमम 3 ओवरसीज़ प्लेयर आप लोग खिला सकते हैं दी 100 के अंदर, जिसमें डैनवेन निकक है, ये तो ओवल इनविंसिबल की तरफ से कैप्टनसी कर रही है तो ये तो खेलेगी, ठीक है। सेकंड जो है साउथ अफ्रीकन प्लेयर मरिजिन कप, ये भी यहाँ से कन्फर्म है कि ये भी खेलेगी। फिर आती है एक और साउथ अफ्रीकन प्लेयर शबमिन इस्माइल, तो अब या तो टीम शबमिन इस्माइल के साथ में जाए या फिर जो न्यूजीलैंड की टॉप ऑर्डर की बैट्समैन है ओपनिंग पेयर की सूजी बेट्स इसको ले। अब इनके पास में ओपनिंग पेयर में पहले से ही बैट्समैन अवेलेबल है तो मुझे नहीं लगता सूजी बेट्स को यहाँ पर मौका मिलेगा। तो प्लेइंग 11 क्या बन रही है, निकर को ओपन करेगी लॉरेन विनफील्ड हिल के साथ में, जो कि विकेट कीपिंग करती हुई आपको दिखेगी यहाँ पर। डेनवेन निकर की क्या बात है कि ये है बंदी ऑलराउंडर है, बॉलिंग पूरे यहाँ से करने वाली है, 15-20 बॉल्स कन्फर्म करने की प्लस ओपन कर रही है, ठीक है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ये अपनी जो टीम है साउथ अफ्रीका के लिए नहीं खेल रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अच्छा टोटल करके जा सकती है। बहुत ही अच्छी प्लेयर है, आपके मस्ट है वो कैप्टनसी के ऑप्शन में रखनी चाहिए इनको, अच्छी प्लेयर है। उसके बाद में एलाइस केप्सी अभी रिसेंटली T20 इंटरनेशनल खेली है, ये भी बैटिंग भी करती है प्लस बॉलिंग भी करेगी यहाँ पर दी 100 में, तो मस्ट हैव पिक बनेगी। तो यहाँ से जो प्लेयर हमारे मस्ट हैव पिक्स में बन रहे हैं स्मॉल लीग के लिए, जिसमें डैनवेग निकक है, लॉरेन विनफील्ड हिल है, उसके बाद में एलाइस कैप्सी, ये तीनों मेरी टीम के मस्ट हैव पिक बनेंगे। उसके बाद में फोर्थ नंबर पर मरिजिना कप, साउथ अफ्रीका की बेस्ट ऑलराउंडर है वुमेन्स के अंदर, तो ये फोर्थ नंबर प्लेयर सेलेक्शन हमारा रहेगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ से पिक करेंगे शबनम इस्माइल को,
और यहाँ से मैट डिविलियर्स को। तो ये हमारे कुछ सिलेक्शंस बनेंगे, 6 प्लेयर का सिलेक्शन ओवल इनविंसिबल की तरफ से हमारा बनेगा। टॉप 3 में इनके पास में टॉप कह सकते हैं टॉप प्लेयर्स हैं जो कि स्कोर कर सकते हैं अच्छा टोटल। बाकी मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे एलाइज क्रैनस्टोन और कैरा चाटली भी हैं। अब कैरा चाटली एज अ विकेट कीपर खेलती है टीम में, लेकिन यहाँ पर पहले से विकेट कीपर लॉरेन विनफील्ड हिल है। तो क्या होगा कि एक कैरा चाटली के प्लेस पे इनके पास में एक बैटर भी है क्रिस्टी वाइट, ये इनको भी ला सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हो सकता है ये प्लेइंग 11 रह सकती है। एमिले विंडसोर की मैं बात करता हूँ तो ये बैट्समैन है, लेकिन ये जनरली बैटिंग डाउन ही करती है 6-7 नंबर पर। तो ये यहीं पर इनका बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है। मैंने आपको बता दिया है स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो यही प्लेयर है जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रैंड लीग में जॉर्जी भी आ जाती है, ये मेन प्लेयर है जिनको आपको ग्रैंड लीग में भी रोटेशन करना चाहिए, और स्मॉल लीग में तो आपको सेफ ही चलना चाहिए जिसमें डेनवेन निकर विलफील्ड एलाइस कैप्सी फिर मरीजिना काप यहाँ से शबनी मिसवाल और मैडी विलियर्स। ये तो हो गए हमारे स्मॉल लीग के सिलेक्शंस, और ये ग्रैंड लीग के इन प्लेयर्स के अंदर से सिलेक्शन होने चाहिए। डेथ ओवर में बॉलिंग कौन कर सकती हैं? अगर शबनी मिसवाल खेल रही हैं तो यहाँ से कन्फर्म है डेथ में गेंदबाजी करेंगी, प्लस उसके साथ में मरीजिना काप भी यहाँ से डेथ में गेंदबाजी कर सकती है। कोई फिक्स नहीं रहता वुमेंस के मैचेस में कब कौन ओवर कर ले, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही है कि ये डेथ में करनी चाहिए। बाकी यहाँ से सुजी बैट्स, इवा ग्रे, मैकडोनल्ड गे हैं, फिर सॉफी इस्माइल है, क्रिस्टी वीट है, ये बेंच पर आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की हम लोग बात करते हैं वुमेंस की, इनके पास में बैटिंग यूनिट अच्छा दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होगा लोरा वुलवर्ट के प्लेस पे एक चेंजेस रहेगा, क्योंकि टीम चाहेगी ऑलराउंडर के साथ में, तो हीदर ग्राम यहाँ पर आ सकती है। ये थर्ड नंबर एंड ये 12th नंबर, ये थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहे हैं इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। बाकी दो वर्सेस कंफर्म है, रॉड्रिगो और एलिसा हिली अगर कोई इंजरी नहीं होती तो ये कंफर्म खेलेंगी। ठीक है, ये दोनों मस्ट है पिक हैं और ये खेलेंगी भी हैं। थर्ड ओवरसीज में मैंने बता ही दिया इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, तो मस्ट है पिक में तो ये दोनों बनेंगी। स्मॉल लीग में रखना ही रखना है, ड्रॉप मत कीजिएगा। ग्रैंड लीग में किसी एक ओपनर को ड्रॉप कर सकते हैं जिसमें एलिसा हिली आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, तो इनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और विकेट कीपिंग की प्रोबेबिलिटी हायर है कि यहाँ से बैस हीथ करनी चाहिए, एलिसा हिली एज अ बैट्समैन खेलनी चाहिए। होली आर्मिटेज जो कि टीम की तरफ से कैप्टनसी करेंगी, एलएस डेविडसन रिचर्डसन ये बैटिंग भी करती हैं प्लस बॉलिंग भी करती है, तो मस्ट है पिक में आपकी स्मॉल लीग की टीम में बनेगी। अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ जो बेस्ट प्लेयर का, तो यहाँ से जो स्मॉल लीग के बेस्ट प्लेयर है ना वो ये है, अगर वुलवर्ट खेलती है तो वुलवर्ट भी अच्छी है, और हीदर ग्राहम खेलती है तो ये भी अच्छी है। उसके बाद में एलाइस डेविडसन रिचर्डसन ये भी अच्छी प्लेयर है, स्मॉल लीग में भी अच्छी पिक है मस्ट है पिक में। उसके बाद में जेनी गन, लिंसे स्मिथ, और यहाँ से बाकी सारे एवरेज प्लेयर हैं। ये प्लेयर जो मैंने मार्क किए हैं ये स्मॉल लीग के लिए सबसे बेस्ट हैं। ग्रैंड लीग अगर आप लोग खेल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, एक प्लेयर को और ऐड कर सकते हैं जिसमें कप्तान होली आर्मिटेज है, जो कि बॉलिंग भी करती हैं प्लस बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं, तो एक प्लेयर और इंक्लूड होगा। बाकी आप लोग सभी को छोड़ सकते हैं, कोई इतने अच्छे ऑप्शन नहीं है। ये यहाँ पर बेंच प्लेयर भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब यहाँ से बात करते हैं लास्ट सीजन में क्या परफॉर्मेंस किसका रहा था। रोड्रिगस सबसे सफल बैट्समैन कह सकते हैं नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की तरफ से, जिन्होंने 350 लगाई थी, 41 का इनका एवरेज रहा था, तो ड्रॉप तो हम कर ही नहीं सकते हैं, और करंट फॉर्म भी अच्छा है। लोरा वुडवर्ड अच्छी प्लेयर है, वनडे में भी अच्छा करती है, T20 डोमेस्टिक में भी अच्छा खेलती है, अगर खेलती है तो रख सकते हैं, अगर हीदर ग्राम खेलती है तो उनको भी आप रख सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाईएस्ट स्कोरर थी टीम के लिए। उसके बाद में यहाँ से है एलाइस डेविडसन रिचर्डसन जो कि मैंने बात किया था, ये चारों के चारों मस्ट है पिक बनते हैं। अब इन दोनों में से एक कोई खेलता है वो, बाकी ये दोनों मस्ट है पिक में बनेंगे हमारी टीम में। उसके बाद में लिंसे स्मिथ बॉलिंग करती है अच्छी, ये मस्ट है पिक रहेंगे, बैसित काफ़ी डाउन आएंगी तो हम लोग छोड़ सकते हैं, बाकी कोई इतने अच्छे ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। होली आर्मिटेज देखते हैं, कैप्टनसी कर रही हैं तो खेलेंगी कन्फर्म है। विकेट्स में किसने लिए थे, लिंसे स्मिथ ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, एलाइस डेविडसन रिचर्ड्स भी हमारी टीम में है, केटी लेविक अगर खेलती है तो रख लेंगे, अदरवाइज़ हम छोड़ ही देंगे अगर नहीं खेलती है तो, हीदर ग्राम अगर खेलती है तो मस्ट है पिक में रहेगी हमारी टीम के अंदर, ड्रॉप नहीं करेंगे। होली आर्मिटेज बॉलिंग भी करेगी, कप्तान भी है तो कुछ ओवर्स भी डाल सकती है, इसलिए जीएल के लिए अच्छी पिक बन सकती है। ये जो मेन प्लेयर है जिन पर मैं मार्क कर रहा हूँ ना वो तो मेन प्लेयर है, ये इनको आपको अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहिए, चारों प्लेयर है ना
इंपॉर्टेंट है, पूरे पूरे ओवर्स अपनी टीम के लिए डालती है। ओवल इनविंसिबल की तरफ से बात करते हैं, नीकर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, कैप्टनसी की बेस्ट ऑप्शन है। स्मॉल लीग में 250 लगाई है, एलाइस केप्सी बॉलिंग भी करेंगी प्लस बैटिंग भी करेंगी, इसलिए मस्ट है पिक। मर्जी ने कहा थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर डाउन है लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर है टीम के लिए, इसलिए मस्ट है पिक में रहेंगी। फिर यहाँ से लॉरेन विनफील्ड हिल, ये भी हमारी टीम के अंदर चारों के चारों बैट्समैन जो है रहने वाली ऑलराउंडर, ठीक है। अब मैडी विलियर्स बॉलिंग से अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है तो ये तो हमारी टीम में रहेगी है, ठीक है, ये पांचों हमारी टीम के अंदर होने चाहिए। उसके बाद में बॉलिंग सेक्शन से वापस मरीज ने कहा एल एस कैप्सी हमारी टीम में होंगी, निकक रहेगी और मैडी विलियर्स रहेगी, ठीक है। शबमिन इस बार लास्ट सीजन खेली थी बट उतने विकेट्स इनको नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी हम हमारी अपनी टीम के अंदर इनको पिक करेंगे, तो ये सिलेक्शंस बन रहे हैं स्मॉल लीग के, इनको आपको अपनी टीम में रखना ही चाहिए मस्ट हैव पिक के अंदर। बात करते हैं ओवल इनविंसिबल के प्लेयर स्टेट्स की, ये प्लेयर स्टेट्स पहली वीडियो है इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएगी उसमें जस्ट ओवरव्यू दूंगा, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में सुजी बेट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है रिसेंटली, 91 का नोट आउट इनिंग किया, 34 खेला है, 20 खेला है, कंसिस्टेंसी नहीं है लेकिन बड़े प्लेयर हैं। न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी बड़े बड़े स्टार्ट्स इन्होंने टीम के लिए दिए हैं, अभी भी रिसेंटली भी डिवाइन के साथ में मिलकर अच्छी स्टार्ट्स टीम को दी थी, तो ये अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। एलाइस कैप्सी की बात करते हैं, एज अ ऑलराउंडर टीम में खेल रही है इसलिए मस्ट हैव पिक में हम अपनी टीम में रखेंगे। ऑलराउंडर भी बहुत ही अच्छी है, 160 रन किए हैं प्लस 26 के एवरेज से स्कोर किए हैं और 1 विकेट भी पिक करे हैं, डोमेस्टिक में तो बॉलिंग करती ही हैं, 450 भी लगा चुकी हैं, तो ये हमारी स्टार पिक हैं, प्लस मैं इनको वाइस कैप्टनसी के कंटेंडर में स्मॉल लीग में रखने वाला हूँ। कीरा चाटली है जिनको ग्रैंड लीग में रख सकते हैं, 33 मैचेस में 287 रन किए हैं प्लस नॉट आउट काफ़ी जाती हैं इसलिए इनका एवरेज 23 का है। एलेक्स क्रैनस्टन है वो ग्रैंड लीग की पिक है, ओडीडी में ठीक ठाक खेलती है, बाकी टी20 डोमेस्टिक में आप लोग छोड़ सकते हैं, स्मॉल लीग में तो मैं छोड़ूंगा, हो सकता है मैं ग्रैंड लीग में भी इनको छोड़ दूँ क्योंकि एवरेज प्लेयर है, कुछ काम की नहीं है। ग्रेस गिब्स की बात करते हैं, उतनी विकेट टेकर गेंदबाज नहीं है इसीलिए आप लोग चाहें तो स्मॉल लीग में इंक्लूड कर सकते हैं, सॉरी ग्रैंड लीग में रख सकते हैं, मैं स्मॉल लीग में नहीं लूँगा, ठीक है, ये मेरी टीम में नहीं रहेंगी। ईवा ग्रे है, ये भी ग्रैंड लीग में रखूँगा, मैं स्मॉल लीग में नहीं रखने वाला हूँ। यहाँ से डेनियल जॉर्जी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है प्लस कभी कभार बंडल्स में विकेट ले जाती हैं, इसलिए ग्रेट जीएल के लिए अच्छी प्लेक है, जीएल का मतलब आपको पता ही है ग्रैंड लीग। शबमिन इस्माइल स्मॉल लीग के अंदर रहेंगी ही रहेंगी मस्ट हैव पिक में खेलती हैं, तो मर्जीना का बताने की ज़रूरत नहीं है मस्ट हैव पिक क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से एडवांटेज है। रैना मैकडोनल्ड की ग्रैंड लीग में रख सकते हैं, स्मॉल लीग में मैं छोड़ के चलूँगा। डेनवेन निकिक मस्ट हैव पिक प्लस कैप्टनसी की सबसे बेस्ट ऑप्शन थी और वाइस कैप्टनसी के लिए भी सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, इन्हीं के साथ में हम लोग जाएंगे क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करेंगी। मैडी विलियर्स की बात करते हैं, अच्छी बॉलर है प्लस विकेट टेकर गेंदबाज हैं, इनको हम हमारी टीम के अंदर रखेंगे। क्रिस्टी वाइट एज अ बैट्समैन खेलती है टीम के अंदर, 450 लगा चुकी है 55 मैचेस के अंदर, लेकिन वही है इनका बैटिंग ऑर्डर अगर टॉप फोर में होता है तब आप जीएल में भी कंसीडर कीजिएगा, अदरवाइज आप लोग छोड़ सकते हैं। एमिली विंडसोर है, काफ़ी डाउन बैटिंग करती हैं, बॉलिंग कुछ टाइम करती है, यानी पार्ट टाइमर है, यानी एक दो ओवर मिल जाए यानी 5 बोले या 10 बोले मिल जाए तो काफ़ी बड़ी बात होगी अगर खेलती हैं, तो इसलिए स्मॉल लीग में आप लोग छोड़ के चलें। लेकिन रिसेंटली ODD के अंदर इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बैटिंग कर रही थी, लेकिन ओवरऑल उतनी अच्छी पिक नहीं है स्मॉल लीग के लिए। लॉरेन विनफील्ड हिल मस्ट हैव पिक में रहेंगी हमारी टीम के अंदर क्योंकि विकेट कीपिंग भी करेंगी। सोफी स्मैल है, ग्रैंड लीग में रख सकते हैं, उतनी खास प्लेयर नहीं है, ग्रैंड लीग की चॉइस रहेंगी। यहाँ पर ये 650 नहीं है, ध्यान रखिएगा ये 6 विकेट है। बात करते हैं यहाँ से नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की तरफ से, हॉली आर्मिटेज जो कि टीम की तरफ से कैप्टनसी कर रही हैं, लेग ब्रेक गेंदबाजी करती हैं प्लस बैटिंग में एक एवरेज प्लेयर है, ठीक है। टॉप ऑर्डर में से अगर कोई प्लेयर छोड़ रहे हैं और मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इनको रख सकते हैं क्योंकि ये सेकंड राउंड बैटिंग करने के लिए आ जाएगी। एलाइस डेविडसन रिचर्डसन ये हमारी टीम की मस्ट हैव पिक बनेंगी क्योंकि विकेट्स लेके जाती हैं प्लस बीटिंग भी कर लेती है, इसलिए मेरी टीम के अंदर होंगी ही होंगी। हीदर ग्राम मस्ट हैव पिक, अगर खेलती है तो ड्रॉप करना ही नहीं है, देखते हैं वोलवार्ड खेलते हैं या ये खेलती है, जो भी खेलेगा उनको हम रख लेंगे। जेनी गन मस्ट हैव पिक में रहेगी, इंग्लैंड के लिए काफ़ी मैचेस खेली हैं, विकेट टेकर गेंदबाज है, मस्ट हैव पिक में रहेंगी। उसके बाद में बैथनी हार्मर है, ग्रैंड लीग के पिक हैं। एलिसा हीली ये स्मॉल लीग में रखने चाहिए बट करंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। बेस हिट की बात करते हैं, विकेट कीपिंग करेगी तो एडवांटेज है इसलिए ग्रैंड लीग में रख सकते हैं। ल्यूसी हिगम
ग्रैंड लीग में रखेंगे अगर खेलती भी है तो, बेथ लैंगस्टन ग्रैंड लीग में, कैटी लेवी खेलती है तो स्मॉल लीग में रख सकते हैं, काली मूरी ये भी जीएल की पिक है, ये स्मॉल लीग की पिक है ठीक है। फिर यहाँ से रॉड्रिगस मस्टियो पिक, एलिजाबेथ है, ये आप लोग ग्रैंड लीग में रख सकते हैं, स्मॉल लीग में मैं नहीं रखूँगा। स्लेटर, लिंसे स्मिथ और वॉलवार्ड, इन तीन दोनों तीनों में से दोनों मस्टियो पिक है अगर खेलती है तो ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा जो आपके सामने मैंने सब कुछ बता दिया है। अब एक बार यहाँ से मैं देख लेता हूँ प्रीव्यू टीम का, उससे पहले अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। टीम की बात करते हैं, स्मॉल लीग में मैंने दोनों को लिया है, एलिजा हिली विनफील्ड दोनों को लिया है, प्लस यहाँ से लॉरा वोल्डवर्ड है, जमीमा रोडिगस है, एलिस कैप्सी को मैंने लिया है, मैंने ऑलराउंडर सेक्शन से काप, डेनवेन निकक, एलाइज डेविडसन रिचर्डसन को लिया है, प्लस सबनीम इस्माइल, लिंसे स्मिथ और मैडी विलियर्स को मैंने लिया है। अगर यहाँ से कैटी लेवी खेलती तो आप अपनी टीम में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। एक सिलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है क्या करना है, अगर वोल्डवर्ड नहीं खेलती है तो हमारी टीम के अंदर ये मस्टियो पिक में रहेंगी, कौन सी, हीदर ग्राहम, अदरवाइज सब कुछ सेम रहेगा, कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी हमारा सेम ही रहने वाला है स्मॉल लीग में। तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी में यहाँ से डेनवेन निकक को मैं कर रहा हूँ, वाइस कैप्टनसी में एलाइस कैप्सी को दिया है, आप चाहें तो मर्जी ने काप के साथ में जा सकते हैं जो कि एक जनता सिलेक्शन वाला हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा ऊपर ही रहेगा, प्लस करंट फॉर्म इनका अच्छा है, इसलिए मैं एलाइस कैप्सी को अपनी टीम में प्रीफर कर रहा हूँ। तो ये मेरी टीम कॉम्बिनेशन है स्मॉल लीग का। अब जो लोग ग्रैंड लीग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।